हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये सुंदर सी डिजाइन। ये देखें कितनी सुंदर बनी हुई है। ये आप चाहे कार्डिगन में डालें या स्वेटर में डालें, ये सभी पे बहुत सुंदर लगती है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन, और उसके लिए देखें हमने ये 42 फिंदे डाले हुए हैं। ये 9-9 फिंदे की डिजाइन पड़ेगी। और ये देखें हमने सादा बना लिया है, इसको 6 सलाई निकाली हुई हैं, 3 इधर से तो 3 उधर से। आप चाहे एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बना सकती हैं, तो मैंने बॉर्डर की तौर पे ये उल्टा सीधा बनाया है। और 10 नंबर की इसमें सलाई है, और ये नॉर्मल वूल है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है। तो आपके अगर वूल मोटी है तो 9 नंबर की सलाई लीजिएगा। और इस डिजाइन को बनाने के लिए देखें इस तरह से, यहाँ पे हम साइड पे 3 फिंदे रखेंगे। अब देखें ये अपनी साइड धागा रखेंगे, ये देखें यहाँ पे 3 फिंदे हम सीधे बनेंगे, 1, 2, 3। अब देखें यहाँ पे 3 फिंदे उल्टे, 1, 2, 3। अब 3 फिंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखें 9 फिंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फिंदे हमने सीधे बना लिए, धागा बैक साइड, 1, 2, 3, 3 फिंदे उल्टे बीच में, 3 फिंदे उल्टे फिर 3 फिंदे सीधे, फिर 9 फिंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद हमारे फिंदे एक्स्ट्रा हैं, तो हम वो एक्स्ट्रा इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें 3 फिंदे यहाँ पे हम सीधे बना लेते हैं। अब उल्टी साइड देखें, ये 3 सीधे, ये बैक साइड धागा, जो 9 फिंदे हमने उल्टे बनाए हैं तो वो उल्टे ही बनाएंगे, इधर से सीधे उल्टी साइड से। ये देखें 1, 2, 3, ये देखें पूरे हुए, 1, 2, 3। अब 3 फिंदे यहाँ पे सीधे हैं, तो हम सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3। यहाँ पे उल्टे हैं 3 फिंदे, तो उल्टे बना लेंगे। ये पूरी रो हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, फिर दिखा, ये देखो इस तरह से 3 हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखें ये उल्टा फिंदा है, तो हम उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे सीधा फिंदा करके हम जाली बनाएंगे, 1 इधर से जाली बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह से जाली बनाएंगे, यहाँ पे उल्टा ही फिंदा बनाएंगे। और ये 3 सीधे हैं, तो 3 सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखें 1, 2, 3, 3 सीधे बिन लिए, उल्टे बिन लिए। अब यहाँ पे देखें 3 का 1 करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम 3 का 1 कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से 3 का 1 कर दिया, फिर 3 हमने उल्टे बिन लिए। ध्यान से देखिएगा 3 सीधे, यहाँ पे देखें 1 उल्टा,
यहाँ पे एक जाली बना देंगे। फिर से देखें, एक जाली बनाएंगे, जाली दोनों साइड बनेगी, इसको हम उल्टा बना लेंगे। फिर देखें तीन सीधे, अपनी साइड धागा, एक दो तीन, तीन बना लिए और अपनी साइड धागा रहेगा ये। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चैन नहीं बनेगी, लेकिन हम तीन का एक बन करेंगे। फिर तीन उल्टे, यहाँ पे तीन सीधे। अब जो जैसे हैं, जो सीधे हैं हम वो सीधे बुनेंगे, उल्टे हैं वो हम उल्टे बुनेंगे। इसी से देखें, ये देखें तीन सीधे हैं तो ये सीधे चलेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, एक दो, यहाँ पे फिर से जाली, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो पांच फिंदे हो गए। अब सात फिंदे हो जाएंगे, तो ये देखें इस तरह से सात फिंदे हो गए। यहाँ पे फिंदे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। बाकी फिंदे जो जैसे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम होते रहेंगे। यहाँ पे अभी किया था, अब फिर से हम उसी तरह से करेंगे। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे उल्टे हैं तो उल्टे रहेंगे। एक दो, पांच फिंदे, एक फिर से जाली, ये देखें इधर की जो जाली बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, और जाली ये ऊपर ही ऊपर इसी तरह से पड़ती रहेगी। एक दो, अब यहाँ पे तीन का एक, उल्टी साइड जो जैसे हैं उसी तरह से बनाऊंगी, जो सीधे हैं वो सीधे चलते रहेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आगे का। ये देखें सीधी साइड, यहाँ पे तीन फिंदे सीधे, उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से बना रही हूँ, सिर्फ जाली का अंतर रहेगा, जाली बढ़ती जाएंगी। ये देखें साइड पे तीन फिंदे बना लिए, इस तरह से फिर से हम जाली डाल देंगे, इधर से इस तरह से जाली पड़ेगी और तीन फिंदे इसी तरह से, और यहाँ पे कम होते रहेंगे। तो हम चार जाली डालेंगे, चार जाली डालने के बाद आप ये देखें सीधी साइड, तो यहाँ पे तीन फिंदे और यहाँ पे नौ फिंदे। अब देखें किस तरह से बने, यहाँ तीन थे तो छः छः फिंदे बढ़ चुके हैं, एक दो तीन, तीन जालियाँ डाली हुई हैं, तो ये फिंदे पूरे हो गए हैं, चार की जगह पे तीन जालियाँ पड़ेंगी। तो अब देखें आगे का किस तरह से बनेगा। ये फिंदे जो साइड साइड से तीन तीन चल रहे हैं सीधे सीधे, ये इसी तरह से चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से, एक दो तीन, तीन बुन लिए। अब यहाँ देखें तीन का एक, इस तरह से हम फिंदे को कर लेंगे और इसको उल्टा लेंगे। इस तरह से तीन का एक, यहाँ साइड पे तीन और तीन सीधे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बंद किया है तो अब यहाँ पे जाली पड़ेगी, उल्टा बनाएंगे और इस तरह से हम जाली बनाएंगे।
अब यहाँ पे बंद होएगी, इधर साइड बंद होएगी, जिस तरह से ये बंद हुई है। अब यहाँ पे जाली पड़ती जाएगी, इस तरह से बनेगी। तो तीन जाली यहाँ पे पड़ेंगी, ये देखो यहाँ पे से फिर से डिजाइन शुरू होगी। अब फिर से देखें, एक दो तीन, अब फिर देखें यहाँ पे तीन का एक, इस तरह से हम करेंगे। दो फिंदे लिए और इसको इस तरह से हमने कर दिया, तो बीच का फिंदा आगे लिया और इस तरह से हम इसको उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। अब तीन फिंदे फिर से हैं, अब देखें यहाँ पे देखें, अब फिर से यहाँ पे जाली पड़ेगी। यहाँ ये फली बंद हुई है तो दूसरी फली तैयार होगी, इस तरह से उल्टी साइड इसी तरह से चलते रहेंगे फिंदे। ये देखो दो, अब फिर से देखें तीन का एक, जाली की जगह पे जाली डालते रहेंगे, यहाँ पे तीन का एक करते रहेंगे। अब देखें अपनी साइड धागा एक और ये दो, अब यहाँ पे तीन फिंदे हो जाएंगे एक एक साइड पे। दो जाली बना ली हैं और दूसरी जाली पड़ गई है, एक और बनानी है इसी तरह से, और ये जो फली है ये बंद हो जाएगी इस तरह से, ऐसे जिस तरह से ये वाली बंद हुई है इसी तरह से ये भी बंद हो जाएगी। ये देखिएगा, अब एक फिंदे को इस तरह से और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, तीन का एक। अब लास्ट फिंदा मेरे पास ये बचा हुआ है, तो तीन फिंदे मेरे पास थे तो तीन फिंदे इसी तरह से बने रहेंगे। ये देखें, यहाँ पे जाली एक और पड़ेगी, उसके बाद जाली नहीं डालेंगे। ये नौ फिंदे बीच में हो गए, यहाँ पे ये देखे तीन का एक, इस तरह से एक एक फिंदा बचा हुआ है, तीन बीच में रह गए। यहाँ पे जाली नौ फिंदे हो गए, उल्टी उल्टी साइड उल्टे उल्टा बनाएंगे। ये देखो डिजाइन ये पड़ चुकी है, ये पूरी कंप्लीट हो गई है और इसमें तीन जाली पड़ गई हैं। तो यहाँ से अब हम जाली डालने लगेंगे। ये देखें, हम एक बार फिर से बता रही हूँ, तो इसी तरह से ये डिजाइन पड़ती जाएगी आपकी। अपनी साइड धागा, यहाँ पे एक जाली, इधर से भी जाली, ये तीन फिंदे सीधे। ये बहुत इजी है और ये आप आराम से डाल सकती हैं। यहाँ पे देखें एक दो तीन, तीन फिंदे बिन लिए, अब यहाँ पे तीन का एक कर देंगे। करना है अपनी साइड से इस तरह से। अब तीन फिर से हम बुन लेंगे, जिस तरह से ये वाली बनाई है उसी तरह से ये वाली बन जाएगी। तो यहाँ पे नौ फिंदे हो जाएंगे, जिस तरह से ये नौ फिंदे हुए थे
तो इसी तरह से बनती जाएगी, इस तरह से बंद होएगी, फिर खुलेगी, फिर बंद होएगी। तो ये डिजाइन इसी तरह से पड़ती जाएगी, इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने इस तरीके से इस डिजाइन का हमने स्वेटर बनाया है, ये देखें, और फुल साइज बनाया है, ये देखें। और इस जिस तरह से हमने आपको डिजाइन सिखाई है इसी तरह से बनेगा, ये देखें कितना सुंदर लग रहा है।